Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Hani and if you're new to my channel, do subscribe to my channel. So, today's video is going to be a haul video again. Yes, it's a haul. और आज हम इतनी प्यारी ड्रेसेस का हॉल करने वाले हैं, नॉट ड्रेसेस बट सूट्स दैट यू कैन वेयर ऑन रक्षाबंधन. के आउटफिट आइडियाज और फेस्टिव सीजन भी यू नो अब आ ही रहा है. अब एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते जाएंगे रक्षाबंधन के बाद. एंड वी ऑल नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट जो कि अच्छे भी हों, अफोर्डेबल भी हों और बेस्ट क्वालिटी भी हों. यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेंडी हों, राइट? सो आई हैव गॉट यू गर्ल्स. तो मैं आज लेके आई हूँ एक हॉल. एक चीज़ बताना भूल गई, दीज ड्रेसेस आर फ्रॉम मीशो, हम सब का फेवरेट ऐप. यस, मतलब इतने अफोर्डेबल आउटफिट्स और कहाँ मिल सकते हैं फॉर फेस्टिव सीजन. इट्स मीशो, ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल आउटफिट्स का जो आप लोग अपने रक्षाबंधन पे पहन सकते हो, अपने फेस्टिव सीजन पे पहन सकते हो. एंड अगर आपकी फैमिली में कोई शादी या फिर वेडिंग कमिंग है या कोई भी फैमिली फंक्शन है, यू कैन वेयर इट ऑन दोज ऑल्सो. सो ज़्यादा चपड़ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला और मेरा फेवरेट आउटफिट कह सकते हैं हम इसको. सो दिस वन, इट इज इन द पर्पल कलर. मतलब बिल्कुल जो डार्क पर्पल होता है ना, आई नो ये कलर थोड़ा सा, मुझे पहले जब मैंने ऑर्डर किया था आई वॉज वरिड कि ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट इट फिटेड एंड सूटेड मी सो वेल. यू कैन सी इन द वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आउटफिट. एंड लुक एट दिस, इसके जो चारों तरफ है ना ऐसे लेस लगी हुई है, ऐसे करके पूरा सिल्वर कलर की है. यू कैन सी द डिटेलिंग पूरे इधर से लेके नीचे, और नीचे ना इसके ऐसे जैसे नॉर्मल कट होता है ना वैसा नहीं है, इसके ये ट्रायंगल सा बना हुआ है. सो ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी वजह से मुझे ये आउटफिट मैंने ऑर्डर किया था. मेनली मुझे ये चीज़ इसकी जो अलग, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था, यूनिक लगा था कि और सूट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है. पूरा यहाँ से ऊपर ब्रेस्ट एरिया कवर है एंड उसके बाद यहाँ से पूरा स्लिट है नीचे तक. एंड इट इज़ रियली वेरी ऑसम. ऊपर भी, ऊपर की साइड पे ऐसे लेस लगी है एंड दिस स्ट्राइप्स. और इसका मटेरियल की अगर हम बात करें, मटेरियल इज़ शिफॉन एंड इसके अंदर ये लाइनिंग लगी हुई है, डबल मटेरियल है. डबल अच्छे तरीके से पहन सकते हो, स्टाइल कर सकते हो और बहुत बहुत प्यारा लगने वाला है ये आउटफिट. इवन ऑन फेस्टिव सीजन्स इट विल लुक स्टनिंग, बिलीव मी गाइस. मतलब इतना, मतलब ये ना ज़्यादा हैवी है, जिनको ज़्यादा हैवी भी ड्रेसेस नहीं चाहिए होती, लाइक आपके फैमिली में किसी की वेडिंग है बट कोई इतना गरीब ही नहीं है, देन यू कैन वेयर दिस. बहुत अच्छा लगने वाला है एंड स्टील ऑल द लाइम लाइट. आई कैन बेट यू ऑन दिस बिकॉज इतना ट्रेंडी सा आउटफिट लगता है ना ये, इतना अच्छा और इतना, और इसका कलर इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. मुझे बहुत प्यारा लगा ये, और ये सिंगल कलर में ही अवेलेबल था, सो आई हैव टू ऑर्डर दिस वन ओनली. सो मेरे को यही ऑर्डर करना पड़ा बट इट टर्नड आउट सो गुड. ये दुपट्टा आया है, दुपट्टा यू कैन लुक एट द दुपट्टा. इसके ऊपर भी सेम जो सूट के ऊपर लेस लगी हुई थी वही लगी हुई है. अच्छा है ना? एंड दुपट्टे की भी लेंथ इज़ काफ़ी गुड, कोई ऐसा छोटा सा दुपट्टा नहीं है. इट्स रियली वेरी गुड, टर्म इज़ रियली वेरी 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 गुड. मतलब अच्छा मटेरियल है और डबल मटेरियल है, ऐसा सिंगल नहीं है, इसमें भी डबल मटेरियल लगाया हुआ है. इसके अंदर इज लाइक दिस और इसके ऊपर वाला मटेरियल इज दिस शिफॉन. एंड अगेन फिर नीचे बॉटम में यहाँ पर सेम लेस लगी हुई है. बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगता है ये आउटफिट अगर आप पहनो तो. पूरे स्टमक एरिया तक किया आ जाएगा, उसके बाद मतलब ऐसा कुछ रिवीलिंग नहीं है कि जैसा आप, जैसे इसमें लग रहा है ना, अगर आप सिर्फ अपर पार्ट, अगर आप इसके टॉप देखोगे ना, सिर्फ इसकी शर्ट देखोगे तो यहाँ पर इसमें पूरा स्लिट है. सो ये थोड़ा सा ना रिवीलिंग लग रहा था मुझे पहले जब मैंने इसको ओपन किया, देन जब मैंने पहना देन आई गॉट टू नो कि स्टाइल है इसका, ये इतना प्यारा लगा मुझे. स्टमक तक ये आ जाएगा एंड देन यू कैन वेयर दैट. मतलब कुछ भी रिवीलिंग कहीं से भी नहीं है, बहुत अच्छा है. यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस विद योर फैमिली एंड
It will look stunning. Guys, original price was 906 rupees and it has costed me after discount because I had UPI payment. It has costed me 887 rupees. Isn't it good deal? मतलब बहुत अच्छी quality का outfit है. ऐसा नहीं है कि एक दो बारी पहना and it will be मतलब side करके रख दिया. वैसा नहीं होने वाला. ये आप कहीं पर भी कैसे भी पहन सकते हो. Thumbs up from me for this. Oh, the next one that we have. मतलब ये 3-piece set होने वाला है. बहुत बहुत cute सा set है ये भी. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. It's my second favorite from this haul. This it is from the brand called Athya and मैंने ये medium size में मंगवाया था. जो पहले वाला suit मैंने दिखाया है वो भी medium size में ही था. ये भी set है तो first इसका ये है top ऐसे करके. ये stripes वाला है and अगर बात करें इसके material की, material is not that good. cotton का material है no doubt but it's not that good. अगर आप material को touch करके देखो it will like ऐसा आपको लगेगा पता कि ये इतना टाइम नहीं चलने वाला. सो यहाँ पर इसके पीछे ऐसा इलास्टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने मीडियम साइज़ का मंगवाया है. सो इट कैन बी लाइक वॉन लाइक इतना एक्सटेंड हो जाता है. इलास्टिक भी ज़्यादा गुड क्वालिटी का नहीं है. ये डेफिनेटली खींचने से पता लग रहा है अगर ज़्यादा खींचो तो ये खींची जाएगा. सो बाकी बात करें डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग इज़ रियली वेरी वेरी गुड. मतलब डिज़ाइनिंग की अगर बात करें ना तो this is on the first number really. ये देखो यहाँ पर और क्योंकि ये 3-piece set है, 3-piece के accordingly designing अच्छी करी हुई है सब तीनों चीज़ों में. सो यहाँ पर ये ऐसे है, इसका जो नीचे का है पार्ट ऐसे करके. अगेन दैट वी हैव इज दिस श्रग. जो इसके श्रग आया इसके साथ. खाली श्रग की भी बात करें तो ये काफ़ी तरीके से स्टाइल हो सकता है. ये कट स्लीव श्रग है, मतलब इसके स्लीव्स ऐसे कटेड है और फुल लेंथ का श्रग है. ये पूरा नीचे तक इसकी लेंथ है एंड यहाँ पर इसमें पूरा ये कपड़ा शिफॉन का है. गुड क्वालिटी नो डाउट. ये श्रग की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड इसको हम कैजुअल वेयर्स में भी स्टाइल कर सकते हैं. लाइक बेल्ट के साथ स्टाइल कर लिया इट विल लुक स्टनिंग. श्रग के लिए 10 out of 10 है ओनली फॉर द श्रग. बट या आगे बताती हूँ आगे का आउटफिट कैसे है. सो बॉटम्स पे आते हैं अब इस आउटफिट की बॉटम्स पे. सो ये है बॉटम. इसमें ऐसा वो लगा हुआ है, इसमें टिच टाइप ऐसे लगा हुआ है. सो इसको ऐसे बंद करके और इसकी वेस्ट साइज़ आपको बहुत ध्यान से ऑर्डर करनी होगी क्योंकि इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं पूरा इसमें बस पीछे थोड़ा सा इलास्टिक है और वो भी इतना एक्सटेंडेबल नहीं है. सो मैंने मीडियम साइज़ मंगवाया है. आई हैव 28 वेस्ट सो इट विल लुक लाइक दिस. एंड ये पूरा प्लाजो टाइप है जो खुले वाला प्लाजो होता है ना वैसा प्लाजो है. ये शरारा काइंड ऑफ लुक. मतलब इसका कलर ना मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लगा अकॉर्डिंग टू मी. मैं ये वाला येलो कलर पहनती नहीं हूँ जनरली. सो अकॉर्डिंग टू मी द कलर इज़ रियली वेरी डार्क. सो दैट्स वाई इसके अंदर भी दो अंदर की साइड पे ऐसे लगा हुआ है मटेरियल और इसका अंदर का मटेरियल जो जैसे पर्पल वाले में लगा हुआ था वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल था. बट दिस इज़ नॉट वेरी नाइस क्वालिटी. अगर आप इसे 3 से 5 बार धोगे इट विल मतलब इसके से धागे वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे. सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर हम देखें और इट इज़ अ डिज़ाइनर पीस ऑब्वियसली. सो वेडिंग्स में तो बहुत अच्छा लगने वाला है ये पीस. और इसके अंदर और भी कलर्स थे बट आई हैव गॉट दिस येलो वन ओनली क्योंकि मुझे येलो ही चाहिए था. येलो कलर का मेरे पास कुछ था नहीं सूट्स में. सो आई हैव गॉट येलो. बाकी अच्छा आउटफिट है नो डाउट. डिज़ाइनर है कौन सा मतलब आप डेली तो वेयर करोगे नहीं ऑब्वियसली डेली वेयर के लिए नहीं है बट या अगर आप 5 से 6 बार भी पहन लो इट विल वर्थ इट है. प्राइस के लिए वर्थ इट है. मैं आपको अब प्राइस बता देती हूँ इसका. इसका प्राइस था 940 रुपीज़ बट मैंने UPI से पे किए थे अमाउंट तो आफ्टर 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मुझे इसमें. सो इट हैड कॉस्टेड मी 923 रुपीज़. गुड डील ना. मतलब इतना भी बेकार नहीं है अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस बात करें तो. सो या थम्स अप फ्रॉम मी. सो अब
इस हॉल का सबसे अफोर्डेबल आउटफिट आने वाला है, मतलब सबसे जो ज़्यादा अफोर्डेबल आउटफिट है इस हॉल का, तो सबसे सॉबर, सबसे सिंपल एंड सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आउटफिट आने वाला है अब इस हॉल का, दैट इज़ दिस वन। यस, सो ये वाइट कलर की कुर्ती है, कुर्ती नहीं कह सकते, अनारकली कह सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत अच्छा मटेरियल है इस कुर्ती का, मतलब आई वॉज शॉक्ड जब ये आई ना, आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड कि इतनी अच्छी क्वालिटी इन दिस प्राइस। प्राइस लास्ट में रिवील करूँगी, वेट। सो ये देखिए, एंड ये इसकी ना स्लीव्स ऐसे यहाँ तक स्लीव्स है, एट द क्वालिटी कॉटन की है ये, एंड लुक एट दिस। इसको ऐसे, मतलब ये डिजाइनिंग से बनी हुई है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब ये डिजाइनिंग है बस, जस्ट एज ऊपर को ऐसे बनाया हुआ है। एंड ये पूरी फुल लेंथ की है कुर्ती, एंड बहुत अच्छा लुक आता है इसको पहनने से, बिल्कुल जिनको सॉबर और ज़्यादा हैवी एंड फेस्टिव वो वैसा वाला नहीं चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस वन गर्ल्स। मतलब ये देखो, मतलब काफ़ी कैजुअल, काफ़ी अच्छा, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि प्रिंट धोने के बाद निकल जाएगा, प्रिंट भी अच्छा है, मतलब रहेगा ये प्रिंट, काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट कलर इज़ माई फेवरेट कलर, अगर किसी को नहीं पता। सो या मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया, इसमें काफ़ी सारे और कलर भी थे, मतलब इसमें आई गेस ऑरेंज और येलो था, सो आई हैव गॉट दिस वाइट वन, क्योंकि मुझे वाइट कलर में सिंपल सा, सॉबर सा, कैजुअल सा बहुत क्यूट लगा ये आउटफिट। बड़ी आई कैन बेट ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, एंड या बट इसका इसका एक वो है कि इसके ज़्यादा फ्लेयर नहीं है। अगर आपको थोड़ा फेस्टिव काइंड ऑफ जाते हैं हम, तो वी एक्सपेक्ट कि हम ऐसे सूट्स लें, ऐसे अनारकली सूट्स लें जो जिनकी थोड़ी फ्लेयर ज़्यादा हो। सो इसकी थोड़ी इतनी फ्लेयर नहीं है, बट इट स्टिल लुक वेरी 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 गुड। सो आप वीडियो में देख ही सकते हो। इसके साथ ये दुपट्टा भी है, दुपट्टे के ऊपर चारों साइड ये लेस लगी हुई है, सेम डिजाइनिंग की, जैसा कुर्ती पे डिजाइन है वैसा ही दुपट्टे पे है। उसके साथ बॉटम नहीं आई, दिस इज वन ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, कि इसके साथ बॉटम नहीं आई, बट या दुपट्टा एंड कुर्ती इज बेस्ट। बॉटम के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी ब्लैक बेसिक लेगिंग यू कैन यूज़ दैट वन, यू इफ़ यू हैव ब्लू लेगिंग यू कैन यूज़ दैट वन, अगर बेसिक सी कोई ब्लू कलर की है वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ब्लैक कलर की है वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास वाइट है तो वाइट तो यूज़ हो ही सकती है इसके साथ। बॉटम नहीं आया, फिर हम क्या पहनेंगे? ये पूरी फुल लेंथ की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉटम दिखने ही नहीं वाला है इसमें, एंड सेकेंडली यू कैन वी वेयर एनी थिंग इन दिस। बेसिक जो लेगिंग्स होती है वो तो हर गर्ल के पास होती है, सो या यू कैन डेफिनेटली हैव दिस। सो दुपट्टे की लेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड, पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा है, ऐसे पूरे पे ऐसे ना इस पे लेस लगी हुई है, नाइस ना। सो अब हम इसका प्राइस रिवील कर ही देते हैं फाइनली, दिल थाम के बैठिए देवी और सज्जन। इसका प्राइस इज जस्ट 462 रुपीज, कैन यू इमेजिन? कुर्ती सेट पूरा, कुर्ती एंड ऊपर का दुपट्टा, जस्ट फॉर 462 रुपीज, लिटरली मतलब इतना अफोर्डेबल कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मीशो पे ही मिल सकते हैं इतने अफोर्डेबल स्टफ्स। सो 462 रुपीज़ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आई कैन अश्योर यू दैट, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी आई है रियली इसकी, अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, ऐसे ही नहीं है, हैवी काइंड ऑफ लुक नहीं चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल कैजुअल बेसिक सा सॉबर सा लुक आने वाला है इससे। और हाँ, इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, 462 रुपीज़ का, 462 रुपीज़ का ही मिला है मुझे ये। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब पिक्चर्स में तो देख के बहुत ही अच्छा लग गया था, बट जब ये आया इट वॉज नॉट दैट गुड। मतलब इसका साइज, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइज इश्यूज थे, एंड सेकेंड थिंग इज दैट, चलो दिखाई देती हूँ, दिस वन पिंक आउटफिट,
color is really very very cute, but इसका stuff again मैंने इसको medium size में मंगवाया था और सारे जितने भी सारे हैं मैंने सबको मीडियम साइज में ही ऑर्डर करा है. ट्रेडिशनल वेयर्स की बात आती है, एथनिक वेयर्स की बात आती है, मैं स्मॉल के साथ नहीं जाती. आई गो एवरी टाइम आई गो विद द मीडियम साइज क्योंकि मीडियम साइज वर्क्स बेस्ट फॉर मी. मतलब मीडियम साइज मेरे लिए बेस्ट रहते हैं, स्मॉल सिर्फ कैजुअल और वेस्टर्न वेयर्स के लिए ठीक रहता है. एंड या बाकी साइज गाइड होता है मीशो पे जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उसके साथ ही नीचे लगा होता है. इफ़ यू डोंट नो मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्लीव्स, मतलब उन्होंने अपनी साइड से अगर हम ब्रांड की तरफ से सोचें तो दे हैव मेड इट राइट कि अगर कोई इंसान हेल्दी हो तो उसके लिए इट विल वर्क. बट फॉर मी इट डिडेंट वर्क लाइक दैट. मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसकी जो खुली खुली स्लीव्स थी. अगेन देन इट्स अ पैडेड ड्रेस, पूरा यहाँ पर है. एंड लुक, पूरा शिफॉन की ड्रेस है ये, ऊपर से लेके नीचे तक जस्ट ऊपर का एरिया कवर है, देन पूरी नीचे तक शिफॉन है. यहाँ पर इसके पीछे इसके साइड में भी ऐसे ये डोरी सी लगी हुई है, इसका कुछ काम नहीं है, बस ऐसी लगी हुई है. एंड देन पीछे की बैक की बात करें, मुझे लगा था इसका बैक विल लुक रियली वेरी गुड. अगर आप ये पिक्चर देखो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट इट इज़ नॉट दैट गुड. रियलिटी चेक दे रही हूँ गाइज. सो ये रहा इसके बैक पे पूरा ऐसे बना तो हुआ है, बट ये जो ऊपर से स्टाइल आ रहा ना ऊपर ये ऐसे करके यहाँ से, ये बहुत बेकार लग रहा है. अगर आप पहनोगे लिटरली इफ यू विल गॉट टू नो अगर आप वेयर करोगे इसको, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये. बाकी सबका टेस्ट अलग होता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट इट डजंट सूटेड मी दैट मच. मतलब ऐसा बैक अगर इसके ऊपर थोड़ी और वो लगी होती ना ये डोरी, इट विल लुक स्टनिंग. बट फॉर दिस ये नीचे नीचे लगी हुई है, बहुत बेकार लग रही थी. एंड यहाँ तक लगी हुई है अगेन. मतलब इसके अंदर तो डबल कपड़ा लगा हुआ है, जो ऊपर का एरिया है पूरा उसमें डबल कपड़ा है. देन नीचे से पूरा नी से भी नीचे फुल लेंथ तक, एंकल लेंथ तक है, और ये शिफॉन ही है पूरा, फिर ऊपर से लेके नीचे तक. जैसे फर्स्ट वाली कुर्ती थी पूरा स्लिटेड था, यहाँ से भी यहाँ से भी, ये भी पूरा स्लिटेड ही है, सेम वैसे ही है, पूरा स्लिटेड है साइड्स पे से. लेट मी जस्ट शो यू, देखो ये है पूरी कुर्ती एंड ये साइड्स पे से ऐसे स्लिटेड है. आउट अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट दैट गुड. सो ये रही इसका दुपट्टा एंड लुक एट दिस, ये लोकल सी लेस दुपट्टे के ऊपर से लगी है. बट या वन टू टू टाइम्स अगर आपको वेयर करना है कहीं पे, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. अब इसके बॉटम्स पे आ जाते हैं. बॉटम की फिनिशिंग इज बिल्कुल बेकार, यू कैन लुक एट दिस. इसके धागे अभी से ही निकल रहे हैं, पहनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. सो इसका पूरा मतलब ये बॉटम ना पूरा ऐसा आपको स्कर्ट वाला लुक देगा. ये प्लाजो तो है बट लेकिन आपको स्कर्ट वाला लुक देने वाला है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल स्कर्ट की तरह लगता है ये. प्लाजो वाला लुक कहीं से नहीं आएगा इसमें, ये इसका एक प्लस पॉइंट है. हाँ इस सूट का ये प्लस पॉइंट है कि आप प्लाजो पहन रहे हो बट आपको स्कर्ट का लुक मिलने वाला है. मतलब काफ़ी अच्छा खुला डुला प्लाजो है एंड डबल कपड़ा लगा हुआ है इसमें भी, बट इसके अंदर जो कपड़ा लगा है ना ये, इट विल जस्ट मतलब अगर आपका ये कहीं गलती से भी अटक गया इट विल जस्ट टोन. और वन मोर थिंग, मैंने ये मीडियम साइज में ऑर्डर किया था, शर्ट मुझे मीडियम साइज की मिली है एंड लुक एट दिस स्मॉल. आई डोंट नो व्हाट दिस, बट लेकिन हाँ ये स्मॉल साइज में मिला है मुझे. बट एनीवेज ये फिट तो हो गया था मुझे, साइज इश्यूज ऐसा कुछ आया नहीं, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाँ ये स्मॉल साइज ऊपर लिखा हुआ है.
एंड पूरा यहाँ से अच्छा है, अंदर से बंद है, मतलब 1 to 2 times के लिए इट इज़ जस्ट बेस्ट. बट लेकिन अगर प्राइस की बात करें, प्राइस मुझे जैसा इसका क्लोथ है, जैसी इसकी क्वालिटी है, एंड इट इज़ नॉट दैट मच गुड, सो इसीलिए मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं प्राइस का मतलब प्राइस को जज करती हूँ. सो 871 इसका ओरिजिनल प्राइस था, एंड आफ्टर डिस्काउंट जो कि मैंने UPI से पे किया है, इट हैड कॉस्टेड मी 823. आई नो इट्स नॉट अ बैड डील, बट कपड़े की क्वालिटी एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उसे कहीं पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते इज ऑल दैट मैटर्स, राइट? सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इसको पहनना चाहेगी. सो बट लेकिन 1 to 2 times अगर आप वेयर करना चाहो, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस. इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, फिर उसके बाद ये इट विल लुक गुड. हाँ, जैसे इसके अंदर ना थोड़ी सी और डोरियाँ लगवा सकते हो, फिटिंग करवानी पड़ेगी, एंड यहाँ से पूरा ऐसे पूरी डोरी नीचे तक, देन इट विल लुक गुड. एंड यहाँ पर से इसको थोड़ा क्लोज करवाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता साइड पर से खुला हुआ, क्योंकि पीछे भी डिज़ाइन है, साइड पर से भी खुला हुआ, सो इतना अच्छा नहीं लगता. क्योंकि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी छोटी है, इट विल नॉट गुड लुक दैट गुड. इसके अंदर ये जो पैडेड है, इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल ही देना आप लोग, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे. एंड सो दैट इज़ इट फॉर द डे. आज के दिन के लिए इतना ही था, एंड ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा मीशो हॉल एथनिक वेयर्स के लिए, जहाँ पर मैंने आपको आउटफिट आइडियाज़ बताए कि आप रक्षाबंधन पे या फेस्टिव सीजन में जो अभी आगे आ रहा है, दिवाली, रक्षाबंधन, एंड रियली मोर फेस्टिवल्स आर कमिंग, सो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या वेयर कर सकते हो, क्या ले सकते हो. इसके बाद भी मे बी एक हॉल आए, इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी हॉल आ गया तो दिवाली के टाइम पे हॉल नहीं आएगा, हॉल आएगा, बट दिस वॉज पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये रक्षाबंधन के आउटफिट आइडियाज़ के लिए था. सो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, डोंट गेट टू गिव थम्स अप, लाइक करना मत भूलना, एंड जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट, आप कमेंट्स में बता सकती हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, और या अगर कोई कोड चाहिए हो, आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट, और आई एम ऑलवेज हेयर. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी कुछ भी मेकअप से रिलेटेड, या फिर कोई भी स्टाइलिंग से रिलेटेड, या ब्यूटी से रिलेटेड, आप कभी भी एनी टाइम यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस. So yeah, we'll meet you in the next video. Bye.